हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि पहले के वीडियोस में हम आपको हैड का यूज़ पढ़ाए थे कि हैड का यूज़ कहाँ किया जाता है, किन कंडीशन में किया जाता है, तो हैड के यूज़ में क्या है कि अगर भूतकाल में बीते हुए समय में किसी के पास कोई वस्तु होने का बोध होता है तो वहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ा दिया था, अब अगली हेडिंग आप डालिए निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक। तो इसमें क्या है कि अगर कोई निगेटिव शब्द है तो हैड के बाद नॉट लगाया जाता है, लेकिन यहां एक कंडीशन ये भी होता है कि कहां पे नॉट लगाया जाता है, कहां पे नो लगाया जाता है। जबकि इसके पहले के वीडियोस में हम इसमें डिफरेंसेस आपको बता चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित है तो वहां पे हम नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित नहीं है तो वहां पर हम नो का प्रयोग करेंगे। निश्चित नहीं है तो नो का और निश्चित है तो नॉट का। तो यहां पे हैड के बाद क्या करेंगे, हम नो या नॉट का यूज करेंगे। रूल नंबर इसका फर्स्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट हैड। क्योंकि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही यूज किया जाएगा और अदर वर्ड का यूज किया जाएगा। ये फार्मूला है। एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास एक नीली टोपी थी। अब देखिए, मेरे पास एक नीली टोपी नहीं थी, मेरे पास एक नीली टोपी नहीं थी, ठीक है, ऊपर लिख दिया गया है। तो यहां क्या होगा कि आई हैव नॉट ए ब्लू कैप, मेरे पास एक नीली टोपी नहीं थी, उसके पास दो पुस्तकें नहीं थी, उसके पास दो पुस्तकें नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट टू बुक्स, ही हैड नॉट टू बुक्स, उसके पास कोई कलम ना था या नहीं था, उसके पास कोई कलम नहीं था। तो यहां क्या हो जाएगा, ही हैड नो पेन, ही हैड नो पेन। तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ किसका यूज किया जाएगा, हैड का। चाहे सिंगुलर हो, एकवचन हो, बहुवचन हो, ही हो, सी हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो,
इसके बाद नो या नॉट, तो नो का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित नहीं होती है वहां पे नो का प्रयोग किया जाता है, और जहां पे ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित होती है वहां पर नो नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो जब निश्चित नहीं है ऑब्जेक्ट की संख्या तो नो यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की संख्या निश्चित है तो नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड नोट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे हैव का यूज किया गया, जबकि आप हैड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जो यूज होगा वो हैड का यूज होगा। आई हैड नॉट ए ब्लू पेन, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लो, उनके पास कोई स्कूटर नहीं था, उनके पास कोई स्कूटर। अब देखिए, अगर उसके होता तो ही का या सी का यूज करते, लेकिन यहां उनके है तो यहां पे दे का यूज करेंगे। दे हैड नो स्कूटर, दे हैड नो स्कूटर। सीमा के पास एक काली गाय नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, सीमा हैड नॉट ए ब्लैक काउ, सीमा हैड नॉट ए ब्लैक काउ। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने आपको टेंस यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम आपको टिपिकल चीज़ें पढ़ाएंगे, और जहाँ पे जिसको कोई समस्या होगी वो समस्या आप हमको शेयर करिएगा, उसका हम आपको सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।